ਮੰਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਸਭ ਪਾਸਾ ਸਭ ਫਕੀਰ 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 ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਸਾਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਸਾਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਲਓ ਆਓ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲੱਖੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਹੋ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਵਸ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਦਿਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਹਰ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਸ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟਾ ਹਾਂ मैंने पहले जैसे बात की कि गुरबानी में लिखा है संत की महिमा वेद न जाने चारे वेद 18 प्राण 80 स्मृति नहीं जान सकदियां इन्होंने फकीरां दी महिमा नूं फकीर की हुंदे दुनिया के तमाम फिकरां दा फक्का मार के एक पासे दुनिया तो बह के हो जाना दुनिया पिछे पिछे ते फकीर अगे अगे ये फकीरां दा काम है फकीरां नूं ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਬ ਫਿਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਰੱਬ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ ਬੇਵਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ ਬੇਵਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰਾ
फकीर बाबा जी ने पूछा फकीर कौन होते हैं, मैं क्या जी आपके आपसे बेहतर कौन जान सकता है, एक तो बताना एक हो जाना, कितना फर्क है एक फकीर के बारे में बता देना एक हो जाना। हे प्रभु ने मन फक्का मार के दुनिया ने तमाम फिक्रां नूं फकर हो जाना। हद टप्पे औलिया महात्मा जी ने पूछा जी फकीर कौन होता, हद टप्पे औलिया बेहद टप्पे पीर, हद बेहद दोने टप जे ओदा नाम फकीर, ओनू कहदे आ फकीर। संतां ने रब वस कर लिया प्रेम दियां पाके इतना रब नूं भी कई बार कह देंदे ने कि कुछ शुक्र कर खुदाया तुझे मैंने खुदा बनाया, तू शुक्र कर खुदाया तूने मैंने खुदा बनाया, तुझे कौन पूछता था मेरी बंदगी से पहले, क्योंकि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकबीर से पहले खुदा बंदे को पूछो, खुदा बंदे को पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, अपने आप नूं इन्ना ओहदे हवाले कर दे, इन्ना कंप्लीटली सरेंडर हो जाओ कि वह हर गल तुहानूं पुछ के करे कि हाँ जी चाहिए हुण की करां तेरे लिए, क्योंकि जिवें ये कंप्लीटली सरेंडर करके ओहदे होके बैठे ने ते रब इन्हां नूं पुछदा चाहिए की है, कहिंदे दुनिया का भला कर, रब फिर पुछदा चाहिए की है कहिंदे दुनिया का भला कर, दुनिया नूं सीधे रस्ते पा तेरा यही भला है, साढ़े कोल ना ही साडा तू भला किया होया कि दुनिया के भले भी फकीर बनते हैं, अपना आप त्यागते हैं, अपना आप देखो फकीर दे। मौज मौज लग गई है कोई थोड़ भी न रही है, मौज लग गई है कोई थोड़ भी न रही है, मौज लग गई है कोई थोड़ भी न रही है, फकीरों
बात हो रही है। हम तो जिंदगी में एक दफा मरते हैं और फकीर रोज मरता है। फकीर का मरना रोज होता है। जिस दिन लगी उससे जिंदा, नहीं लगी तो फिर मर गए। हम दुनियादार लोग ये रोज मरते हैं क्योंकि इनकी आत्मा, इनकी सोल ट्रेवल करती है, रोज मिलकर आती है। इतना मिलती है कि एक दिन जाते नहीं वो आ जाता है कि आज क्यों नहीं है, उसको आना पड़ता है। शाह सिकंदर दुनिया का बादशाह, जिसने हिंदुस्तान पे जिद करने की भूल की थी और दुनिया का पैसा लुट के, धन दौलत लुट के बादशाह होर बड़ा बनना चाहता था। अखीर मरना तो एक दिन है ही, जो डेथ बेड पे सी। अपने संतरी मंत्री नु बुलाया, एक डीड की थी, एक वसीयत की थी कि मेरी एक वसीयत लिखो की जी कि जो मैं मर जावा, जो मेरा शहर चो जनाजा जावे ते मेरे कफन दे विचो दोनों हाथ बाहर कढ़ देना। कहिंदे बादशाह सलामत ये क्यों? कहिंदा पूरी दुनिया नु पता लग जावे कि मैं जिंदगी का तमाम पल दुनिया के धन दौलत जित प्राप्त करने वास्ते लगा दिते ने, पर मैं जो दुनिया से जा रहा तो दोनों हाथ खाली ने मेरे। अगे नूं कोई बंदा इदां दी जरूरत ना करे करन दी, मेरे दोनों हाथ कफन तो बाहर कढ़ देना। इदां ही होया। सिकंदर ने जो जनाजा जा रहा बाजारां चों गलियां दे विचों दोनों हाथ बाहर, ते दुनिया पूछ रही है ऐ की इहदी नवीं गल है कि जनाजे दे विचों दोनों हाथ बाहर, ता एक पिछे मर्यादी करन वाला वो कह रहे हैं कि बादशाह सलामत दे दोनों हाथ इस करके बाहर ने कि इन्हें क्या मैं जिंदगी दे विच बड़ा पैसा कमाने की कोशिश की, मैं जित प्राप्त करने की कोशिश की, वर्ल्ड नूं विन करन दा मैं मुहैया उठाया, पर मैं कामयाब नहीं हो सकिया, पर मैं जानदी वर दुनिया तो दोनों हाथों खाली जा रहा। इदां ही होया, दफना दिता कबर दे विच। शाह सिकंदर तीन दिन हो गए अज कबर दे विच पिया होया, चौथे दिन उहदी मां कबरां दे विच गई है, कब्रस्तान दे विच गई है। उच्ची उच्ची आवाजां बई मारदियां, वे पुत सिकंदरा, वे सिकंदरा, वे पुत सिकंदरा, किथे जाके सदा दी नींद सो गया, वे तैनूं पता नहीं तेरी मां तैनूं याद पई करदी है। बड़ी रोवे कुरलावे, उत्थों इक फकीर, फिर फकीर आ, फकीर कहिंदा मां किहनूं लभदी, कौन है तेरा इत्थे? कहिंदी बाबा दुनिया तो बेखबर है, तैनूं नहीं पता परसों दुनिया के जित प्राप्त करन वाले शाह सिकंदर की मौत हुई, इत्थे दफनाया मेरा बच्चा, मेरा पुत। कहिंदा फिर इत्थे की करदी है? कहिंदी मैं उहनूं लभण आई हाँ, बुलाउण आई हाँ, मेरा दिल नहीं लगता, मैं अपने पुत्र नूं जगाउण वास्ते आई हाँ। कहिंदा किसदा पुत्र जाग गया? कहिंदी फिर? कहिंदा घर नूं मुड़ जा। कहिंदी ना, मैं अपने सिकंदर नूं जगा के जाना, बोल के जाना। कहिंदा मां किहड़े सिकंदर की गल करदी है, किहड़ा तेरा सिकंदर? इत्थे एक वारी मूंह पवा के वेख, चारे पासे सिकंदर ही सुते हुए ने सारे, कोई सिकंदर तो घट है ही। कहिंदी नहीं वे बाबा, सिकंदर किवें हो सकदा मेरा, वे दुनियादार तां। कहिंदा तेरे सिकंदर की निशानी की है? कहिंदे दुनियादार जदों बंदा मरदा है उहदे सारा सोना चांदी उतार लिया जांदा है, पर मेरे पुत्र की इहो निशानी है कि उहदे 1,00,000 रुपए की अंगूठी पाई हुई है कबर दे विच। कहिंदा की? कहिंदी हाँ, उहदे 1,00,000 रुपए की अंगूठी पाई हुई है कि जिहड़ा कबर च सुत्ता पिया। कहिंदा बस, तेरे सिकंदर की निशानी यह है भी उहदे 1,00,000 रुपए की अंगूठी पाई हुई है। कहिंदी हाँ। कहिंदा भोलीए।